सब यहाँ पे पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव। पहले राम की नगरी अयोध्या में सपा नेता मोहित खान का नाबालिग बच्ची संग दुष्कर्म करने का मामला, और अब कन्नौज के सपा नेता नवाब सिंह यादव जिन पर आरोप है कि नवाब सिंह यादव ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की है। फिलहाल पूरी कहानी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसी बीच लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि क्या नेता के साथ ताल्लुक होने का मतलब कांड करने का पास मिलना होता है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और डिंपल यादव के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह यादव को पुलिस ने कन्नौज से गिरफ्तार कर लिया है। नवाब के खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने नौकरी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे नवाब सिंह को जिले में अखिलेश यादव और डिंपल यादव का राइट हैंड माना जाता है। हालांकि सपा नेता ने खुद को बेकसूर बताते हुए पूरे मामले में राजनीतिक षड्यंत्र होने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल इस मामले में पीड़ित छात्रा की मां की तरफ से दी गई तहरीर में नवाब सिंह यादव के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। उसे कन्नौज से चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय से रंगे हाथों पकड़ा गया है। वहीं नवाब सिंह यादव ने इस मामले को अपने राजनीतिक करियर को समाप्त करने की साजिश भी बताया है। उनका कहना है कि ये आरोप उनके खिलाफ रचा गया एक षड्यंत्र है। वहीं नवाब सिंह ने ये भी आरोप लगाया है कि पीड़िता की बुआ पहले समाजवादी पार्टी में थी, वे अब भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, इस वजह से ये पूरा मामला रचा गया है। फिलहाल अब इस मामले में आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अयोध्या मामले में घिरी हुई सपा के लिए नवाब सिंह की गिरफ्तारी बड़ा झटका मानी जा रही है। पुलिस और यहाँ पे पूंजीपत मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इसकी दो बड़ी वजह भी है। पहली वजह ये है कि नवाब सिंह यादव कन्नौज से आते हैं जो अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, और दूसरी वजह ये भी है कि अखिलेश यादव के परिवार से नवाब सिंह यादव की नजदीकियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि डिंपल यादव जब कन्नौज से सांसद थी तब उन्होंने नवाब सिंह को अपना सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया था। अखिलेश की सरकार में भी नवाब सिंह को मिनी मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। फिलहाल नवाब सिंह की गिरफ्तारी के बाद से राजनीति भी तेज हो गई है। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। अयोध्या में मोहित खान और कन्नौज में नवाब सिंह यादव घिनौने अपराधों में पकड़े गए हैं। तो सुनिए यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें क्या मिल गईं कि समाजवादी पार्टी के अपराधी आज बिलों से बाहर निकल आए। समाजवादी पार्टी का अयोध्या का नगर अध्यक्ष मोहित खान और अब नवाब सिंह यादव कन्नौज से, ये दोनों ही नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म के आरोपी हैं। समाजवादी पार्टी की जो पुरानी नीति रही है ना, लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है, ये उसी नीति का परिणाम है। समाजवादी पार्टी सत्ता में रहते हुए अपने MY समीकरण के इन अपराधियों पर पर्दा डालने का काम करती रही है, लेकिन वो भूल गए हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है। ऐसे अपराधियों पर कानून का कठोर शिकंजा कसा जाएगा और ऐसे अपराधियों को उनकी मुकम्मल जगह तक पहुंचाया जाएगा। तो आपने सुना यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को। नवाब सिंह की रिहाई के लिए भी आपको बता दें कि समर्थकों का कहना है कि यादव के खिलाफ ये मामला साजिशन रचा गया है जिससे उनके राजनीतिक करियर को खत्म किया जा सके। हालात को देखते हुए मौके पर CO और ASP भी पहुंचे हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। तो चलिए आपको सुना देते हैं कि कन्नौज के SP ने क्या कुछ कहा इस मामले में। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे UP 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और PRV मौके पे पहुंची थी, जहाँ पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लड़की किस तरह से विद्यालय पहुंची थी? इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे, उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है।
इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है। उम्र क्या रही होगी पीड़िता की? पीड़िता नाबालिग है और उम्र अपनी लगभग 15 वर्ष बताई गई। तो आपने सुना कि कन्नौज के एसपी ने क्या कुछ कहा। एक बड़ा सवाल है कि सियासत की आड़ में छुपकर बैठे उन धन्ना सेठों से कि आखिर नेताओं से ताल्लुक का पास लेकर वो कितनी जिंदगियों को तबाह करते रहेंगे, फिर वो चाहे उन नाव के बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर हो, मोहित खान हो या फिर अब रेप की कोशिश के आरोपी नवाब सिंह। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।